बैराग नहीं, वो काम किया। मनाली हम लोग जा रहे हैं 3 नाइट 4 डे के लिए। क्या बात है। और दोस्तों इस बार जो पेयर रहेंगे वो फ्रेशर के लिए 10 पेयर रहेंगे, 10 पेयर आपको मैच कर रहे हैं 3 महीने के अंदर। ओनली 10 पर आपको मनाली, जिसके अंदर आपको चंडीगढ़ तक खुद पहुंचना है, वहां से कंपनी की तरफ से कन्वेंस रहेगा, सभी लीडर को अपनी कन्वेंस चंडीगढ़ मनाली जो टारगेट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोगों ने 200 टारगेट अचीव किए, जो कि 1000 से काफी कम रहे, और मुझे उम्मीद थी हम लोग 1000 तक जाएंगे, लेकिन शायद कुछ कमियां रही होंगी हम लोगों के काम करने के तरीके में, लेकिन इस बार कोई कमी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इस बार हम लोग 2000 लोगों के मिशन के साथ, 2000 लोगों के टारगेट के साथ हम और आप मनाली चल रहे हैं। डेफिनेटली। तो मैं कुछ लीडर से जानना चाहता हूँ, हमारे बीच में जय सर मौजूद है, जय सर से मैं जानना चाहता हूँ। सर अभी ये मैंने आपको फ्रेशर के लिए बताया, फर्स्ट लेवल के लीडर के लिए अलग है, सेकंड के लिए अलग है, वो आपको साइड पर मिल चुका है, साइड आपके अभी से साइड पर लग चुका है। अब अपनी आईडी को खोलेंगे तो आप नजर आ जाएगा साइड पे, ऑलरेडी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओके जय सर। जय सर जी बताइए सर, अभी जो टारगेट लॉन्च हुआ उसके बारे में मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ। मनाली अपने आप में सर जन्नत है, जन्नत जैसा कि आप गोवा के बारे में बोल रहे थे ना, वो अपने आप में एक अलग फीलिंग है, मनाली की अपने आप में और भी जबरदस्त फीलिंग है। वो क्या है कि वो फीलिंग, उन दोनों की फीलिंग को कंपैरिजन नहीं कर सकते, और दोनों लाजवाब है और बहुत ही जानदार, बहुत शानदार टारगेट लॉन्च हुआ है फ्रेशर के लिए 10 पेयर। मैं सर बोलना चाहूंगा सलूट है सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही गजब, ग्रेट सर, मजा आ गया सर। और दूसरा अभी जो मनाली का जो ट्रिप है, जो अभी अपने पास जो सबसे अच्छी बात यह है कि लॉन्च आज से हुआ है, तो हमें बहुत सारे लीडर्स को जो बेनिफिशियल जो 12 दिन का जो टारगेट मिला है उसका और इसका दोनों का बेनिफिट साथ साथ में रहेगा, क्योंकि वो भी जीत सकता है और वो भी जीत सकता है। तो सर मजा आ गया सर, बहुत ही गजब, और मैंने सोचा था उससे भी बढ़िया मिला मुझे, और महसूस हो रहा है कि जबरदस्त। अब की बार 1000 वाला जो आंकड़ा है, जो आपने 1000 वाला आंकड़ा जो इस बार लिया था उस मिशन में सर, हमारा पूरी दिलो जान से पूरा का पूरा योगदान रहेगा, और 1000 वाला आंकड़ा पार करेंगे, 1001 होंगे, 999 बिल्कुल नहीं होंगे, और पूरा का पूरा पूरा फोकस है सर, और मजा आ गया सर, बहुत ही शानदार सर। और फ्रेशर लोग हमारे बिजनेस का रूट है सर, और रूट से ही फ्रूट आता है सर, हमारे जो रूट है, जो हमारे फ्रेशर जो लीडर हमारे साथ आ रहे हैं, उन लोगों को यदि इस टारगेट को जीत लिया तो ये पक्की बात है कि सारे के सारे पूरे के लेवल में है। और थैंक यू सर, बहुत ही धमाकेदार ऑफर, ओनली 10 पेयर सर, बहुत ही अमेजिंग, मतलब धमाकेदार है सर, मजा आ गया सुन के, और सभी लोग एक्साइटेड है सर। अभी हम लोग कल से ही प्लानिंग कर रहे हैं, एक एडवांस में प्लानिंग चल रही थी सर, रात में भी जूम मीटिंग में सारा प्लानिंग फिट हो गया है। और इस बार सर जो जय सर ने बोला, हम लोग 1000 के पास जा रहे हैं, 1001 हो गए, 999 नहीं होंगे, 100% सर, हम लोग का कमिटमेंट में पूरी ताकत लगा देंगे सर, सभी लोग मिलकर। थैंक यू सर ऐसा ऑफर देने के लिए, और एक्साइटेड हम सभी लोग। अभी आप लोगों के इस ऑफर के ऊपर एक महा ऑफर और बाकी है, जो मैं बताऊंगा अगले 5 मिनट बाद। हम सुन लेते हैं राहुल सिंह जी को, सुन लेते हैं राहुल जी का क्या एक्साइट लेवल इस टारगेट को सुनने के बाद है। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, मजा आ गया गुरु जी, जैसे कर्म मौसम में मौसम के अंदर ठंडों में लेके जा रहे हैं आप, और आपके सोच को सैल्यूट है गुरु जी की, कब कौन से मौसम में कहाँ पे लोगों को जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, और स्टार्टअप है कि इसी क्लोजिंग में दिख जाएगा कि टारगेट की लाइन लग गई। और कंपनियां उल्टा चलती हैं, हम लोग सीधा चलने के लिए आए, और कंपनी आपको उल्टा लेके जाती है, सर्दियों में मनाली और गर्मियों में गोवा, लेकिन बेसिक पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन लोगों को जहां मजा आने वाला है वहीं पर लेकर जाएंगे। जब हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कंपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर,
कि सर अभी भी गर्मियों के अंदर मनाली का टारगेट नहीं निकाला जाता है क्योंकि मनाली के जो होटल होते हैं बिल्कुल हाउसफुल होते हैं, बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाएगी, एक एक होटल बहुत बहुत महंगा रेट आपको देगा। तो हमने सिर्फ एक ही बात बोली, फिर लोगों को टारगेट देने की जरूरत क्या है कि उनको उनकी पसंद की जगह पर लेकर ही ना जाए, तो थोड़ा महंगा जरूर होगा, डब 5,000-5,000 रुपए फालतू जरूर लगेंगे एक एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन निराग सिर्फ इसलिए तो आई है कि निराग में आने के बाद लोगों को प्राउड फील हो, उनको अपने खुद के निर्णय पर प्राउड फील हो, एक भी व्यक्ति निराग में आया है तो उसको मजा आने वाला।